अरे मायावती, बहुत मज़ा आ रहा है। तुमने दोबारा भंडारे में मुझे बुलाया। बहुत बढ़िया खाना बनाया इस भंडारे में। आज मैं घर नहीं ले जाऊंगी, आज सारा खाना यहीं पर खाएंगे हम लोग, क्योंकि आज राहुल को भी, प्रियंका को भी और वाड्रा को भी, सबको आज साथ में लेकर आई हूँ। राहुल बोल रहा है मुझे अलग पत्तल चाहिए। मैं बोला मेरे पत्तल में ही खा ले बेटा, झूठा पत्तल मत कर। रोने लगा, कह रहा है मुझे दूसरे पत्तल में खाना है। मैं खूब सारा खाना खाऊंगा और जेब में भर के घर भी ले जाऊंगा। वाड्रा देखो, अपनी सिस्टर के साथ इतना आराम से खाना खा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अरे राहुल एकदम परेशान कर देता है मुझे, कोई बात नहीं मानता। दीदी बताओ क्या किया जाए इसका। अरे सोनिया बहन, राहुलवा का ना लाया मत करो कहीं खाना खाने के लिए, बेइज्जती करा देता है। अब बताओ इसके लिए अलग से पत्तल कहाँ से लेके आए हम? अपने वाले में खिला दो, और नहीं खा रहा तो दो तीन झापड़ मार दो, चुपचाप हो जाएगा। इसका तो यही नहीं जाता, सोचता है जहाँ खाऊँ वहाँ जेब में भर के घर भी ले जाऊँ। पता नहीं क्या करना चाहता है, बेइज्जती करा देता है। तुम्हारे ये दो भी तो लड़के हैं, प्रियंका और रॉबर्ट, ये तो चुपचाप अपना खा ले रहे हैं, लेकिन राहुलवा एकदम परेशान कर देता है। ये ममता बनर्जी, थोड़ा इसको समझाओ, तुम्हारी बात ज़्यादा मानता है, ये तुम्हें अपनी मौसी बोलता है। थोड़ा जल्दी इनको समझा दो अच्छी तरीके से राहुलवा को। अरे राहुलवा बेटा, आराम से चुपचाप खा ले जो मिल रहा है, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। बहुत ही खतरनाक समय चल रहा है इस समय, चुपचाप जो मिल रहा है वही खा लो। देखो देखो, तुम्हारी दीदी आराम से खाना खा रही है, कुछ नहीं बोल रही है, और तुम रो रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा बेटा, जल्दी से खा लो खाना, चल लो चलते हैं यहाँ से, भाग चलते हैं। नहीं तो कोई हम लोगों को पहचान लेगा तो ईडी वालों को बता देगा, तो हम लोग पकड़े जाएंगे। भेष बदल के हम लोग इधर उधर खाना खा रहे हैं, तुम ऐसा काम कर रहे हो कि हम पकड़े जाएंगे। तुम्हारी मम्मी इतने प्यार से अपने पत्तल में खिला रही हो, तुम्हें दूसरा पत्तल चाहिए। पता नहीं किस तरह से लड़के हो।